अच्छा हम यहाँ आए हुए थे यहाँ हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ पीछे एक जगह है जहाँ कुछ लोग कब्जा कर रहा है। बिल्लू का कहना कि रेलू जो है उनके परिजन जो है मुख्यमंत्री जी के कब्जा रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के हड़ताली मोड़ पर मौजूद हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। पटना के पुराने मछली बाजार को अब पुल निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो उसके ठीक बगल में कई दशकों पुराना धोबी घाट है उसे भी तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के डीएम को फोन लगाया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से बातचीत करके उन्होंने कहा है कि इन गरीबों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही इस जगह को तोड़ा जाए और बात कर लिया जाए। उन्होंने अपने विधायकों को भी कहा है कि शाम 5 बजे वो डीएम कार्यालय पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर जब उतरे हैं तो क्या कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं, कैसे उन्होंने डीएम से बातचीत की है, क्या कुछ बातें हुई हैं, जरा सुनिए। 12 हाँ जी, शांत। अच्छा हम यहाँ आए हुए थे यहाँ हड़ताली मोड़, आप जिस विषय में बात हुई होगी ना कि लोग पुल निगम का पुल बन रहा है, तो ये तो कह रहे कि ये खाली करने के लिए तैयार है। लालू जी के समय में इसे बना था ना, उसको खाली था और कोर्ट का ऑर्डर भी है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बिना जो है थोड़ा ना दे। हालांकि लोग शिफ्ट करा देने के लिए जगह हम देख के आए हैं, हड़ताली मोड़ पीछे एक जगह है जहाँ कुछ लोग कब्जा कर रहा है। बिल्लू का कहना कि रेलू जो है उनके परिजन जो है मुख्यमंत्री जी के कब्जा रहे, अम्बेडकर विद्यालय बना के मूर्ति बना कर, वो सरकारी जगह है। अगर हो सके तो हमारे प्रधान महासचिव आलोक जी, एक्स मिनिस्टर और 2-3 MLA और CPML के सचदेव जी MLA हैं और सब लोग एक डेलीगेशन आपसे मिल करके इस बात को समझते हैं। तो कितने बजे इन लोग को भेज दें, कोई पुल निगम से अधिकारी को बुला लीजिएगा। हम वैसे हम बात कर रहे हैं MD से, पुल निगम का है ना, हम बोल देंगे आपसे कॉर्डिनेट करेंगे। नहीं, इसमें तो बोला कि भाई डीएम साहब तुम बोले कि खाली मत करो जब तक बसाओ ना। ये लोग ये भी बता रहे हैं कि डीएम साहब ने बोला है कि भाई जो है पुल निगम के लोगों को बोला गया है कि जगह उपलब्ध करा रहा है, तो एक बार थोड़ा देख लेता है। 5 बजे ठीक, नहीं सब बोल रहा है कि डीएम साहब हमको लिख के दिए बोले, हम बोले खाली कोऑर्डिनेशन जो है पुल निगम को जगह है। हम तो 5 बजे आलोक जी, सचदेव जी सब और लोग हैं, मुकेश वगैरह मैंने सब लोग जाएंगे। भैया सोमवार के कल काम दिया, चुप रहिए। 5 बजे आप सुन लीजिए, हम चल के भी देख लेंगे। एक एक आदमी आप लोग तय कर लीजिए, यहाँ सदेव जी है कौन जाएगा, आलोक जी आप लोग नहीं जाएंगे, हम देखते हुए घर निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग 5 बजे कितना बजे का सर? 3:30। तो पटना डीएम से बात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के इस पुराने मछली बाजार में रहने वाले लोगों से ये कहा है कि उन्होंने पटना डीएम से बातचीत की है, क्या तस्वीरें छन के आई हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या इस पूरे जगह को, देखिए वहाँ से हड़ताली मोड़ की शुरुआत होती है, उसके बाद ये मछली बाजार है और ये अंदर तक ये पूरा बस्ती और पूरा मोहल्ला आता है जहाँ पहले रैन बसेरा भी बना हुआ था, निर्माण कार्य भी कुछ चल रहा है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने जब पटना डीएम से बातचीत की है तो क्या बातें सामने निकल के आती हैं, क्या वो कहते हैं जब शाम में जो RJD के डेलीगेट्स हैं उनसे मिलने जाएंगे, आम लोग भी उनसे मिलने जाएंगे, तो क्या इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है नहीं, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।